କାଲି ଚିକିଟି ଯାଇଥିଲି ବା ଧାନଗର କାଲି ଯାଇଥିଲୁ यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इश्यू है क्योंकि क्लाइमेट भी चेंज है ओके इसीलिए डिस्कनेक्ट हो गया ओके ओके ये आपको एक्सपोजर चार्ट में आपको कोई डाउट नहीं है ना ओके सो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे आपका एक्सपोजर कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह घर में प्रैक्टिस कीजिए इसके पहले हम लोग एसएफटी के लिए डिस्कस किया एसएफटी आपको जो वैल्यूज है आप लोग एसएफटी का जो वैल्यूज है आपको ये वैल्यूज आपको एक इंडिविजुअल वैल्यूज आप लोग डालिए ये वैल्यूज अलग है और ये वैल्यूज अलग है इंडिविजुअल वैल्यूज आप लोग डाल के आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना ही है और इसमें भी है आपको थिकनेस अलग डालिए क्यूरी 10 का 20 डालिए थिकनेस चेंज करो और एचपीटी वैल्यू तो स्टैंडर्ड वैल्यू है ओके और एसएफडी चेंज करो और जो कुछ वैल्यूज चेंज करके आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उतना अच्छा है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेगा तो आपका काम आपका नॉलेज आगे नहीं बढ़ता है ओके जितना प्रैक्टिस करे तो उतना अच्छा है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट ओके सो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए ये बहुत सारा गुड टेक्निक्स है ओके सो ये टेक्निक्स आपको साइट में ये स्लाइड आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट है खाली ये स्लाइड में आपको कम से कम बीआरसी एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स से लेके 8 मार्क्स तक आता ही है उसमें ओके ये खाली एक ही स्लाइड में ये कितना इम्पोर्टेंट है सपोज हम लोग साइट में काम करने के लिए चला गया तो काम करने के लिए हम लोग को कंपल्सरी सर्वे मीटर चाहिए सर्वे मीटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर गोइंग टू वर्क एट साइट ओके सपोज सर्वे मीटर हम लोग भूल गया सर्वे मीटर नहीं है तो भी हम लोग काम कर सकता है लेकिन जितना रेडिएशन हम लोग का आ रहे है पता नहीं चलता है ओके सपोज सर्वे मीटर नहीं है वो एक रीजन है सेकेंड रीजन सर्वे मीटर तुमने लेके गया लेकिन उस सर्वे मीटर में बैटरीज खत्म हो गया तो सर्वे मीटर काम नहीं कर रहे इसीलिए हम लोग क्या करने का सर्वे मीटर हमेशा हम लोग उसका बैटरी से हम लोग और एक सेट एडिशनली रखना चाहिए बैटरी खत्म हो गई तो नया बैटरी डालने के लिए ठीक है सर्वे मीटर वैसा भी खत्म हो गया सर्वे मीटर सब तुम साइट में लेके गया वो हाथ से नीचे गिर गया वो टूटा है तो काम नहीं कर रहे तो सर्वे मीटर नहीं है तो हम लोग कैसा रेडिएशन को मेजर करना है कैसा हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे मैंने आपको रेडिएशन लेवल चेक करना है चंदन लिखने के लिए टाइम देगा आप सुनिए रेडिएशन लेवल हम लोग को फाइंड आउट करना चाहिए ये रेडिएशन लेवल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है एक्टिविटी इनटू आरएचएम टी स्क्वायर एक्टिविटी एक्टिविटी मतलब क्यूरी कैमरा का जो स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूरी एक्टिविटी कितना है 6.5 क्यूरी है एग्जाम्पल कैमरा में क्यूरी मैंने आपको 6.5 क्यूरी दिया हुआ है तो आरएचएम ये इरिडियम सोर्स है तो 500 mR डिवाइड बाई डी डिस्टेंस सपोज 5 मीटर्स तो 5 × 5² 5 × 5 टोटली हम लोग को 3200 डिवाइड बाई 25 सो 128 mR आ रहे देखा तुम्हारे पास सर्वे मीटर नहीं है तुम रेडिएशन को मेजर कर रहे तो कैसा मेजर करना है कैमरा में क्यूरी कितना है मालूम होना चाहिए कैमरा में तुम कितना दूर है 5 मीटर ओके आरएचएम वैल्यू डाला है तो कितना आया 128 mR आ रहा है तुमको कैसा पता चलता है कि ये कैलकुलेशन करने किया है अभी तभी तुमको लगता है अरे 128 mR आ रहे मैं थोड़ा पीछे जाना है पीछे मतलब और 2 फीट और 3 फीट और 4 फीट ठीक है और 5 मीटर चला गया और तुम वहां पे 10 मीटर डालना है 10 मीटर डालेंगे तो कितना आ रहे ओके तुम जीरो लेवल मेंटेन करना है जीरो लेवल मेंटेन करना है समझा क्लियर आपको समझ गए ना ये सर्वे मीटर का कैसा मेजर करना है ओके नेक्स्ट हम लोग का साइट में काम कर रहे ओके काम कर रहे रेडिएशन आ रहे तुमको सर्वे में तुम्हारे पास सर्वे मीटर है अभी ये सेकंड पोजीशन है तुम्हारे पास सर्वे मीटर है कैमरा में क्यूरी कितना है मालूम है कैमरा इरिडियम का सोर्स यूज कर रहे लेकिन तुमको ये नहीं पता चलता है कि तुम कितना मीटर दूर रहेगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है बोलते लेकिन नहीं तो कितना मीटर यहाँ पे
ये रेडिए ये एक्टिविटी मैं यूज कर रहा हूं, मुझे इतना रेडिएशन आ रहा है, कितना डिस्टेंस दिखाना चाहिए। एक्टिविटी तो मेरे पास 6.4 क्यूरी, आरएचएम 500 इरिडियम, तो रेडिएशन लेवल ऑलरेडी यहाँ पे 128 एमआर आया, तो 128 एमआर डालो। ये डिस्टेंस का फार्मूला है, सो डिस्टेंस का फार्मूला है तो हम लोग कितना है 5 मीटर्स। तुमको रेडिएशन लेवल इतना आ रहा है, कितना डिस्टेंस तुम रहेगा तो ये रेडिएशन लेवल आ रहे 5 मीटर का। अभी ये क्रॉस चेक हो गया ना, बराबर ना? ओके, नेक्स्ट तुम साइट में चला गया, कल हम लोग डिस्कस किया, अरे कैमरा में क्यूरी कितना है पता नहीं चलता, क्या करने का। रूम में दोस्त को कॉल करता है, उसको भी मालूम नहीं है, तुम पिटरूम में डिके चार्ट देखा नहीं है, अभी उसमें एक्टिविटी कितना है, क्यूरी कितना है मालूम नहीं पड़ेगा तो तुम काम कैसा करेगा। कोई भी सीनियर, कोई भी आरएसओ, क्लाइंट का आरएसओ आके तुमको पूछेगा तो तुम क्या बताएगा कितना क्यूरी है, तो उस टाइम पे तुम क्या करने का। कैमरा में क्यूरी कितना है पता नहीं चलता है, तुम पूरा सेटअप करके रेडियोग्राफी का काम को पूरा बारगेट करके तुम एक शॉट एक्सपोजर लेगा तो तुमको रेडिएशन मालूम पड़ता है सर्वे मीटर में। सर्वे मीटर ऑन करेगा, सर्वे मीटर में रेडिएशन पता चलेगा। सपोज वो रेडिएशन लेवल तुमको 128 एमआर आ रहे, ओके, इनटू डिस्टेंस तो कितना डिस्टेंस में था, 5 मीटर, 5 स्क्वायर 25 डिवाइड बाय आरएचएम वैल्यू 500, कितना क्यूरी है पता चला, 6.4 क्यूरी है। ओके, तो ऐसा हम लोग कैमरा को मैच करना। एग्जाम्पल अब ये सब इसमें आप लोग कम से कम 20 टाइम्स प्रैक्टिकल्स करेगा तो, प्रैक्टिस करेगा तो ये आपको टेबल पूरा माइंड में जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थ्री थिंग्स आपको वेरी इंपॉर्टेंट है साइट में। अगर आपको सर्वे मीटर काम नहीं कर रहे उसके लिए क्या करने का, कैमरा में क्यूरी कितना है उसके लिए क्या करना है, हम लोग कितना दूर रहना चाहिए इसके लिए रेडिएशन लेवल। सर एक बात है, बोलिए सर, हमको पता नहीं क्यूरी कितना है कैमरा में, ठीक है सर, हम एक शॉट लेने का टाइम, हम कितना टाइम एक्सपोजर टाइम कितना हम देंगे, कैसे पता चलेगा टाइम। तुमको क्यूरी कितना है पता नहीं चलेगा तो टाइम कैसा देगा, क्यूरी कितना है कंपल्सरी वो निकलना चाहिए, क्यूरी कितना है पता चलेगा तो तुम एक्सपोजर टाइम दे सकता है। इसीलिए नीचे जो एक्टिविटी बताया ना, वही डाउट है क्या, नीचे जो एक्टिविटी बताया ना वही डाउट है, हमको क्यूरी पता नहीं चलेगा तो कितना टाइम एक्सपोजर देंगे। आपको वही मैं बोल रहा हूँ, क्यूरी पता नहीं चलेगा तो टाइम नहीं दे सकता है, क्यूरी को निकलना ही है। क्यूरी को निकलने के लिए ये फार्मूला मैंने आपको बताया, एक्टिविटी फार्मूला, अगर वो पता नहीं चलेगा तो तुम काम नहीं कर सकता है। ये भी फार्मूला तुमको मालूम नहीं पड़ेगा तो तुम डिग्गे चार्ट देखना ही है, लेकिन इसके पहले वो कैमरा का कौन सा दोस्त यूज किया वो ऑफिस में फोन करके पूछना ही है। क्यूरी पता नहीं चलेगा तो कैसा काम करेगा, अगर तुमको ये सब डिटेल्स पता नहीं चलेगा तो। इसीलिए मैंने एक फार्मूला दिया आपको, एक एक्सपोजर करना है वो रेडिएशन लेवल कैच करने का, कितना डिस्टेंस में तुम है, आरएचएम कितना है तुमको, अप्रोक्सीमेटली क्यूरी कितना है पता चलता है आपको। ये रेडिएशन लेवल तुम बराबर नोट करने का, डिस्टेंस भी बराबर नोट करने का, तभी तो तुमको क्यूरी बराबर आ जाएगा। लेकिन नहीं तो आपको 1 क्यूरी 2 क्यूरी आपको वेरिएशन आ जाता है, इसका वजह से आपको एक्सपोजर पता नहीं चलता है, क्यों तुम क्यूरी गलत डालता है। सपोज 6.4 क्यूरी है, तुम 2 क्यूरी गलत डालेगा तो क्या होता है, कम से कम 8 क्यूरी यहाँ पे दिखाना पड़ता है। 8 क्यूरी तुम एक्सपोजर कैलकुलेशन में डालेगा तो तुमको टाइम कम आ जाता है, ज्यादा क्यूरी है ना, 6.4 क्यूरी से ज्यादा क्यूरी है ना 8 क्यूरी, इससे तुमको टाइम कम दिखता है। तुम 5 मिनट टाइम देना ये एक्सपोजर होने के लिए, लेकिन तुमको 4 मिनट तुम दे रहे तो ये बराबर एक्सपोज होता है क्या, नहीं होता है। तुम गैस में तुम डोसा बना रहे, तुम बराबर टाइम देगा तो वो डोसा अच्छा से बनाएगा, अगर तुम डोसा बराबर बर्निंग हुआ नहीं तो तू निकालेगा तो डोसा टेस्ट लगता है क्या, नहीं लगता है। तो बराबर टाइम हम लोग देना ये एक्सपोजर, वो एक्सपोजर बराबर टाइम तुम देना चाहिए तो क्यूरी कितना है बराबर मालूम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग साइट को निकालने के पहले कैमरा में क्यूरी कितना है परफेक्ट मालूम होना चाहिए। कोई भी बोलेगा तो सुनो मत, डीके चार्ट मैच करो, कैमरा में सीरियल नंबर रहता है वो सीरियल नंबर डीके चार्ट में सीरियल नंबर मैच होना चाहिए,
वो डिग्गे चार्ट तुम्हारे पास एक कॉपी होना चाहिए, कोई भी तुमको साइट में काम करने के पहले वहां का रेडिएशन पीपल्स तुमको पूछता है कंपनी का, तो मुंह से बोलेगा तो गारंटी क्या है बोल के बोलता है। हमेशा हम लोग जो भी वर्ड बात करता है विदाउट प्रूफ हम लोग बात नहीं कर सकता है, कंपल्सरी वी हैव टू कीप द प्रूफ ऑलवेज विद अस। ओके, प्रूफ कंपल्सरी है। वो कैमरा का क्यूरी कितना है, वो कैमरा में लोडिंग का कैमरा का क्यूरी कितना है उसका, कभी हम लोग सर्वे मीटर यूज करते हैं, सर्वे मीटर का कैलिब्रेशन कभी किया, ये सब हम लोग साथ में लेके जाना है। आप लोग साइट में काम करने का जाने के पहले क्या क्या आपके पास होना चाहिए, मैंने आपको एक चेकलिस्ट देता हूँ मैंने आपको। ओके ओके सर, चेकलिस्ट देता हूँ, वो चेकलिस्ट के हिसाब से सभी लोग वो चेकलिस्ट का फॉलो कीजिए। ओके मैम, सर हेलो, आप बोलिए चंदन सर। इस फॉर्मूला से RHM भी फाइंड कर सकते हैं हम? थोड़ा जोर से पूछिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से RHM भी फाइंड कर सकते हैं? ये RHM हम लोग फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग साइट में कौन सा सोर्स कौन सा यूज करें वो पता, सोर्स कितना है पता नहीं चलता है, लेकिन कौन सा सोर्स यूज कर रहे वो पता चलेगा ना, वो इरिडियम यूज कर रहे हैं कोबाल्ट यूज कर रहे हैं, तो हम लोग का ये स्टैंडर्ड वैल्यू है RHM। RHM इरिडियम का स्टैंडर्ड वैल्यू है 500 MR, और इसको MR में बोलेगा तो 500 MR, रंजन में बोलेगा तो 0.5 रंजन। अगर सपोज तुम कोबाल्ट सोर्स यूज कर रहे तो उसके लिए 1.3 डालना पाए 1.3 डालना चाहिए यहाँ पे रंजन। डायरेक्ट डाल सकते हो, तो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। सपोज वो बोलिए, सपोज वो शायद भूल गया तो उसमें वो फार्मूला से वो भी फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अगर तुमको कोबाल्ट यूज करेगा तो कोबाल्ट का RHM भी डाल के कर सकते हैं। हाँ, फार्मूला भी आएगा ना इधर, ये फार्मूला में ये जो फार्मूला है आपको गामा को भी, गामा मतलब इरिडियम को भी चलेगा और कोबाल्ट को भी चलता है, सभी का एक ही फार्मूला है। अभी RHM इक्वल टू एक्टिविटी बाय RL इनटू डी स्क्वायर। यस, एक्टिविटी इनटू RHM डिवाइड बाय डी स्क्वायर, ये फार्मूला सबको माइंड में होना चाहिए। ओके मां, आपको रेडियोग्राफी ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है, फार्मूला सबको माइंड में रहेगा तो टका टका आप कैलकुलेशन करके काम कर सकते हैं। ओके okay. उसमें से आपको कोई डाउट नहीं है ना किसी का? महेश नो, महेश नो डाउट सर, एक मिनट रुक के सर हम नोट कर देते हैं इसको। ओके नो प्रॉब्लम, नोट करवाइए। हो गया सर भैया,
सर 2 मिनट। ओके नो प्रॉब्लम। आपको अभी स्क्रीन दिख रहे हैं? नहीं सर, स्क्रीन चला गया। ओके सर, हो गया कंप्लीट। हो गया क्यों? एक मिनट, हमारा जो ट्रेनिंग महेश एक मैसेज भेजा हुआ है। ओके ये स्लाइड में आपको कोई डाउट नहीं है ना? ओके हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। एक्सपोजर रेट एट 3 मीटर, एक्सपोजर रेट एट 3 मीटर। सपोज हम लोग साइट में रेडिएशन हम लोग का कैसा कम होता है कैसा बढ़ता है? ओके सो एक्सपोजर रेट है हमारे पास, सपोज ये रेडिएशन है, इतना दूर रहेगा तो रेडिएशन का कितना रेडिएशन आएगा, इतना रहेगा तो कितना, इतना रहेगा तो कितना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर ऑफ लॉ फार्मूला। इसके लिए आपको बीआरसी एग्जामिनेशन के, बीआरसी एग्जामिनेशन में आपको एक प्रैक्टिकल भी रहेगा। आपको थ्योरी एग्जाम एक रहता है, प्रैक्टिकल एग्जाम दो रहता है। ओके ये प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको एक्सपोजर रेट एट 3 मीटर फ्रॉम सोर्स इज 180 mR/h। इन्हें क्या बोल रहा मालूम है? सोर्स को तुम 3 मीटर डिस्टेंस में रहेगा तो तुमको रेडिएशन कितना मिल रहा है? 180 mR रेडिएशन मिल रहा है पर आवर। ओके 180 mR। अगर सपोज तुम 3 मीटर डिस्टेंस से लेके तुम 9 मीटर डिस्टेंस में चला गया, मतलब दूर चला गया तो तुमको रेडिएशन कितना आता है बोल के पूछ रहा था। कितना आता है? 180 mR से कम आता है ज्यादा आता है? कम आता है सर। सब लोग बोलने का, कम आता है, कम आएगा सर। सुशांत कम आता है ज्यादा आता है? इसलिए वो कम आता है। किसी का मुंह से बात नहीं आ रहा यार, जोर से बात करने का मैं बोल रहा हूँ। ओके क्योंकि हम लोग रेडिएशन से, क्यों हम लोग दूर आने के लिए बोलता है? कम रेडिएशन के लिए, कम रेडिएशन, कम रेडिएशन मतलब हम लोग दूर बढ़ेगा तो रेडिएशन कम आता है, तो इसीलिए कम आता है। 9 मीटर आएगा तो कितना रेडिएशन? ओके 9 मीटर डिस्टेंस में रहेगा तो कितना रेडिएशन आता है? हम लोग का फार्मूला है I1D1² × I2D2² एक फार्मूला है। ओके यहाँ पे I1 कितना है? 180 mR आया, तो 180 mR × डिस्टेंस। 180 mR कितना डिस्टेंस में आ रहा है हमको? 3 मीटर का डिस्टेंस है, 3 मीटर। सो D1 = 3, सो D1² मतलब 3 × 3 is equal to I2 हम लोग we have to find the I2 value। okay so into D2² D2 कितना है? 9 meters, so 9 meters square तो मतलब 9 × 9। okay 180 × 3 × 3 so हम लोग का 1620 आया। so I2 so 9 × 9 = 81। ये 81 क्रॉस इंटरवल इस तरफ आएगा, so 1620 / 81 is equal to I2, so 1620 / 81 is equal to 20 mR I2 value। तो अभी I2 value हम लोग का आ गया, यहाँ पे I1 is equal to 180, 3 meters में, 9 meters का I2 value 20 mR। देखा 3 meters distance में 180 mR आएगा तो जस्ट हम लोग और 6 meter गया, 6 meter ज्यादा distance नहीं है, 6 meter distance में जाएगा तो कितना mR कम हो गया। तो उसका मतलब क्या है? हमेशा हम लोग का रेडिएशन का थोड़ा संभाल के काम करेगा तो हम लोग का रेडिएशन बहुत कम आता है। यहाँ पे विदाउट कॉलीमीटर, बिना कॉलीमीटर ये डिस्टेंस है। अगर सपोज तुम काम कर रहे कॉलीमीटर यूज किया,
करेगा तो और रेडिएशन कम आ जाता है आपको। कभी कभी रेडिएशन बिल्कुल जीरो भी हो सकता है तुम प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करेगा तो। ये कॉलीमेटर कैसा यूज करना है, यूज करने से रेडिएशन कैसा आता है, ओरिजिनल रेडिएशन कितना आता है बिना कॉलीमेटर, बिना कॉलीमेटर का रेडिएशन कितना आता है, विद कॉलीमेटर रेडिएशन कितना आता है, हम लोग एक सैंपल एग्जांपल कैलकुलेशन करके देखेंगे। आप लोग भी तक जाता है क्या इतना वेरिएशन है, इतना रेडिएशन सेफ है, सेफ जोन। ओके, यहाँ पे रेडिएशन सभी लोग बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं डर है, डर है। हम लोग प्रॉपर सेफ्टी एसरिस फॉलो करेगा तो जीरो भी लेवल में रेडिएशन में हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, ये कैलकुलेशन में आपको कोई डाउट नहीं है ना? ओके, नेक्स्ट। नहीं सर। आ गया हम लोग जो कैलकुलेशन के लिए हम लोग सोच रहे वो कैलकुलेशन आ गया, वही एक कॉलीमेटर कैलकुलेशन। ओके, ये कॉलीमेटर कैलकुलेशन है आपको। यशवान चपन सर, इज देयर एनी डाउट? प्लीज सर। ओके मां, नेक्स्ट क्वार्टन ऑफ डिस्टेंस। ये क्वार्टन ऑफ डिस्टेंस का मतलब है हम लोग यहाँ पे सपोज रेडियोग्राफी का काम करेगा तो, सपोज ये हम लोग यहाँ पे रेडिएशन का काम करेगा तो सर्वे मीटर हम लोग यूज करके, ओके सर्वे मीटर हम लोग यूज करके यहाँ से लेके यहाँ तक जीरो लेवल में यहाँ पे रेडियोग्राफी का काम कर रहे हम लोग सर्वे मीटर यूज करके जाना ही है। यहाँ पे है हम लोग 25 MR आ रहे, यहाँ पे है 10 MR आ रहे, यहाँ पे 0 MR, 0 MR लेवल मेंटेन करके ये पूरा हम लोग बारगेट करना है। ओके, यहाँ पे ये बारगेट हम लोग कैसा करना है आपको दिखाएगा। ये बारगेट करने का टाइम पे आप लोग को कोई भी अनजाना आदमी मतलब अनऑथराइज्ड पर्सन अदर पर्सन हो, आप लोग खाली रेडियोग्राफी जो आदमी काम कर रहे वही आदमी लोग उसका अंदर जाना ही है, अंदर से बाहर आना ही है, कोई भी आउटसाइड पर्सन अंदर जाना है मना है। ओके, तो इसीलिए कोई भी आओ मत बोल के आप लोग ये वार्निंग सिंबल जैसा, इसी को बोलते बार गेट, इसी को क्वार्टन ऑफ डिस्टेंस। ओके, सो ये क्वार्टन ऑफ डिस्टेंस कैसा हम लोग बनाएंगे हम लोग देखेंगे, और कॉलीमीटर यूज करेगा तो कैसा रेडिएशन आएगा, कितना आएगा, नहीं यूज करेगा तो कितना आएगा, एक एग्जांपल देखेंगे। गिवन डाटा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सम नहीं दिया, डायरेक्ट मैंने आपको आंसर दे दिया। सोर्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कौन सा सोर्स यूज कर, इसका वजह से हम लोग आरएचएम वैल्यू डिपेंड होता है। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट आपको हमेशा मैंने सोर्स का पॉइंट में डालता हूँ, आपको भी माइंड में वही होना चाहिए। सोर्स आईआर, आईआर का मतलब इरिडियम, शॉर्टकट नेम इरिडियम 192। एक्टिविटी,